एस्ट्रो योगी। पहला एस्ट्रोलॉजर कंसल्टेशन सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए में, अभी डाउनलोड करें। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो योगी के हिंदी यूट्यूब चैनल में। कब भरेगा आपका बैंक अकाउंट पैसों से? क्या आपके लिए लाइफ पार्टनर आज ही मिल सकता है? आपके सपनों की नौकरी के लिए क्या आ जा सकता है आपको ऑफर? ऐसे हर सवाल के जवाब पाने के लिए अभी डाउनलोड करें एस्ट्रो योगी ऐप और पाएं 1 रुपए में अपनी पहली कंसल्टेशन, वो भी 100% प्राइवेसी के साथ। अब जानते हैं 25 अप्रैल 2022 दिन सोमवार का आज का पंचांग। विक्रम संवत चल रहा है 2079, शक संवत 1944, कली संवत 5123 है। हिंदू पंचांग के अनुसार मास वैशाख है, पक्ष कृष्ण पक्ष और ऋतु ग्रीष्म ऋतु है। आज दशमी तिथि रात 1:38 तक रहेगी, इसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी। नक्षत्र आज धनिष्ठा नक्षत्र शाम 5:13 तक रहेगा, इसके बाद छतभिषा नक्षत्र लग जाएगा। आज का करण वणिज है, जो दोपहर 2:12 तक रहेगा, इसका वृष्टिकरण लग जाएगा, जो रात 1:38 तक रहेगा। आज का बनने वाला योग शुक्ल योग है, जो रात 8:56 तक रहेगा, इसका ब्रह्म योग लग जाएगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर करेंगे, इस समय मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। अगर सूर्योदय की बात करें, आज सूर्योदय सुबह 5:46 पर होगा, सूर्यास्त शाम 6:53 पर होगा और चंद्रोदय रात 3:17 पर होगा। चलिए इसके बाद जान लेते हैं आज के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो आज अभिजीत मुहूर्त 11:53 से 12:46 तक रहेगा। और अब बात कर लेते हैं राहु काल की। राहु काल आज शाम 7:24 से शुरू होकर सुबह 9:03 तक रहेगा। मेष राशि, आज आपको कठिन परिस्थितियों में भी काम करना पड़ सकता है। कुंभ राशि में चंद्रमा का गोचर आपको क्रोधित कर सकता है, इन बातों को छोड़कर परिस्थितियों से कैसे निपटकर इसे सोचना चाहिए। इससे स्वास्थ्य तरीके से रहना, कठिन परिस्थितियों से निपट सकते हैं। अब जानते हैं प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज आप अपने रोमांस जीवन में महसूस करेंगे कि पार्टनर की खोज के मामले में पूर्णता की अपेक्षा के बजाय यथार्थवादी होकर यथासंभव अच्छे पार्टनर की खोज की जाए। पार्टनर से अगर कोई गलती होती है तो धीरज रखें, आपने भी कई दफा गलती की होगी। पार्टनर के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वह आपसे प्यार करता है। अब बात कर लेते हैं करियर के बारे में। करियर के क्षेत्र में वृद्धि के संकेत हैं। आप जो भी काम शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता ही मिलेगी। क्या पता किस दिशा से कोई नया मौका आ जाए या फिर कौन कहां पर नजर लगाए बैठा हो, इसलिए हर समय अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करें। शुभ समाचार हालांकि अचानक ही आएगा, लेकिन इसके लिए आपने बहुत मेहनत की है। वहीं वित्त के मामले में मेष राशि वालों, आज वह समय है जब आप अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कुछ नीति निर्धारित करें और यह सोचें कि आप कैसे अपनी सेवा में अपना सम्मान ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को मुहैया करा सके। इसके लिए आपने अपने सामान या सेवा का विज्ञापन कीजिए। आज सारे विकल्प पर ध्यान देते हुए लोगों तक अपनी पहुंच बनाइए। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। शरीर में कुछ बदलाव आने की वजह से आप थोड़ा डर सकते हैं। आप पाएंगे कुछ मांसपेशियों पर असर पड़ा है या आपकी लापरवाही का कारण ही है। आज आप व्यायाम और अच्छा खाना शुरू कर दें। और आखिर में मेष राशि वालों के लिए टिप्स ऑन द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार आपका लकी कलर नारंगी है। दोपहर 12 से 2 के बीच का समय महत्वपूर्ण है। आज बौद्धिक रूप से अच्छा दिन है, आप इसका उपयोग भविष्य की योजना बनाने के लिए कर सकते हैं। कुंभ राशि में चंद्रमा का गोचर आपको भावुक कर सकता है, अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें, सब कुछ योजना के अनुसार ही होगा। अपने आप पर भरोसा रखें और परिस्थिति को एक एक करके स्वीकार करें, वह अपने रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को जीत लेंगे। अब जानते हैं प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। अगर आप अपने पार्टनर की खोज में हैं तो आज का दिन आपके लिए थोड़ी निराशा लाएगा। आपको इस वक्त सही पार्टनर नहीं मिल सकता, फिर भी अंततः आप अपने अभियान में सफल होंगे। कोई ऐसा मिलेगा जो आपके पार्टनर तक पहुंचने में आपके सहायक सिद्ध होगा। अब बात कर लेते हैं करियर के बारे में। काम के लिहाज से आज का दिन बड़ा ही शुभ है। जिन योजनाओं पर आप मेहनत कर रहे थे उनसे आपको लाभ जरूर मिलेगा। कुल मिलाकर आपका करियर सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, इसलिए आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। लोग आप पर नजर रखे हुए हैं और समय आने पर आपको इसका प्रतिफल भी जरूर मिलेगा। वहीं वित्त के मामले में वृषभ राशि वालों, धीमी चाल से जीत का इरादा, यही आज आपका आर्थिक मंत्र होना चाहिए। आपको अपने निवेश का तुरंत तो कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है, पर आगे चलकर आप सुनिश्चित है। कोई चिंता ही नहीं कीजिए, एकदम बेफिक्र हो जाइए,
सोच समझ करके अगर निवेश का, यही तो फायदा है, देर से ही सही पर लाभ होना तय है। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। घर के बाहर किसी भी खेल को खेलने से आपका शरीर ठीक ही नहीं रहेगा, बल्कि आपके पास कोई बीमारी ही नहीं आएगी। आप पौष्टिक खाना खाएं और सकारात्मक विचार अपने मन में लाएं, इसका असर आपकी सेहत पर पड़ेगा। अपनी भावनाओं, शारीरिक और मानसिक क्रियाओं पर नजर रखें, इसकी आपकी सेहत में ज्यादा सुधार आएगा। और आखिर में वृषभ राशि वालों के लिए टिप्स ऑन द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार नीला रंग दिन के लिए भाग्यशाली रंग है। दोपहर 2:15 से 3:50 के बीच का समय आपके लिए भाग्यशाली होगा। मिथुन राशि। कुंभ राशि में चंद्रमा का गोचर आपको दृढ़ निश्चयी और प्रेरित बना रहा है। आज जब अपने लचीलेपन और अपने जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियों में सुधार ध्यान केंद्रित करना चाह रहे हैं, आप किसी भी चुनौती को बहुत जोश और उत्साह के साथ ले सकते हैं। अब जानते हैं प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज आपको लगेगा कि प्यार मिलते वक्त सितारे आपका पैर पीछे खींच रहे हैं। आज आप अपने सही पार्टनर से मिल तो जाएंगे पर डेटिंग की बात नहीं बन पाएगी। चिंता ना करें, आगे जल्दी सफलता मिलेगी। और अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के करियर के बारे में। कार्य क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों जो विकास हुआ है उसके कारण भविष्य में आपको लाभ ही मिलेगा। जिन लोगों को किसी शुभ समाचार का इंतजार था, आज उन्हें वो खुशखबरी मिल सकती है। विद्यार्थी जिस मेहनत में लगन से पढ़ाई कर रहे हैं, अंत में उन्हें अपनी मेहनत का शुभ परिणाम मिलेगा। वहीं वित्त के मामले में मिथुन राशि वालों, आज कोई लंबित पड़ा व्यवसाय लेन देन फाइनल हो जाएगा और नए व्यवसाय के भी रास्ते खुलेंगे। नए संपर्क और व्यवसायिक रिश्ते बढ़ाइए। आज के दिन को एक रचनात्मक दिन बना लीजिए। और अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। मिथुन जातक, आज आप ज्यादा व्यायाम नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको आलस छोड़कर ज्यादा व्यायाम पर ध्यान देना होगा। ठीक से व्यायाम बिना करने के कारण आपको दर्द या मोच भी आ सकती है। आपको इस परेशानी का बाद में निकालने की जगह अभी निकालना होगा। अच्छी तरह से व्यायाम के लिए जिम शुरू कर दें। और आखिर में मिथुन राशि वालों के लिए टिप्स ऑफ द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार सकारात्मक ऊर्जा के लिए लाल रंग में कुछ पहने। शाम 4 के बाद कुछ भी करने से आपको बचना चाहिए। आप अपने जीवन के बारे में फिर से सोचें। कुंभ राशि में चंद्रमा की उपस्थिति के कारण आप भावुकता से फिर से कुछ नया कर सकते हैं। आपके जीवन में कुछ बदलाव होने की संभावना है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बदलाव अच्छे के लिए ही होंगे। कुछ आकर्षक अवसरों के लिए आपको अपनी आंखें और कान खुले रखने की जरूरत है। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उसका कोई कारण होते हैं। सभी महत्वपूर्ण कार्यों की योजना बनाकर आपको अधिक सफलता प्राप्त करने में मदद मिलेगी। अब जान लेते हैं प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज आप थोड़ा निराश और उदास अनुभव करेंगे, क्योंकि आपने जिससे दिल दिया है उसने उसका अनुकूल उत्तर नहीं दिया। आपको उसने मना नहीं किया, पर जिस गर्मजोशी, उमंग और जल्दबाजी की आपको आस थी वो नहीं मिली। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के करियर के बारे में। आज आप शायद हैरान हो जाए, जबकि आपको अपने किसी दोस्त या जानकार से ऐसी नौकरी का अवसर मिल जाए जो आपने बिल्कुल सोचा भी नहीं था। इस अवसर के बारे में पूरी जानकारी अवश्य ले लें, क्योंकि लोग दिल से आपका भला चाहते हैं। वहीं वित्त के मामले में कर्क राशि वालों, आज एक हाथ से आया तो दूसरे से गया। आपकी कमाई तो अच्छी होगी, पर अचानक कोई बड़ा खर्चा भी आ जाएगा और आप चिंता में पड़ जाएंगे। इसका मतलब अच्छे के साथ कुछ कड़वे का भी स्वाद लेना पड़ेगा। तो बस किसी तरह बैंक अकाउंट का सही संतुलन बनाए रखिए, कम से कम आज आपके खाते में तो घाटा ना ही आए। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। कर्क जातक, आज आप महसूस करेंगे आप बहुत समय से बैठे रहने का काम कर रहे हैं, उसका हर्जाना आपके शरीर को देना पड़ रहा है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, पर आपको कुछ दर्द हो सकता है। अब वह समय आ गया है जब आपको उठकर जिम जाना होगा। और आखिर में कर्क राशि वालों के लिए टिप्स ऑन द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार हल्का बैंगनी रंग पहनने से आपको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। शाम 5 से 6 तक का समय अच्छा है। सिंह राशि। कुंभ राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आप प्रभावशाली लोगों से बात कर सकते हैं। वे आज आपकी सहायता कर सकते हैं। आपको एक विशेष पक्ष की आवश्यकता है जो उनकी विशेषज्ञता से क्षेत्र से संबंधित है। आज इस व्यक्ति को कॉल करने से बिल्कुल ना डरिए। अब जानते हैं प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। अपने पार्टनर की योग्यता को लेकर आज आप थोड़ा असंतुष्ट होंगे। आपको अपनी अपेक्षा बहुत नीचे जाने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी यथार्थवादी बने। अगर आप अपने पूर्णता की तलाश में रहेंगे तो निराशा के अलावा आपको कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। आप पाएंगे आपकी ओर कोई निहार रहा है। अब बात कर लेते हैं करियर के बारे में।
लंबे समय से चली आ रही आपकी कोई इच्छा आज पूरी हो सकेगी। विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा रहेगा। अपने परिणाम से उन्हें खुशी व आश्चर्य दोनों ही होंगे। जो लोग व्यवसाय में हैं वो पाएंगे कि उनके लंबे समय से कुछ लक्ष्य पूरे हो रहे हैं। उसके लिए आपको खुद को शाबाशी देनी चाहिए क्योंकि इसे पाने के लिए आपने बहुत मेहनत की है। वहीं वित्त के मामले में सिंह राशि भर, चाहे आप किसी संस्था के साथ जुड़े हैं चाहे अपने व्यवसाय से, आज आपकी आमदनी जरूर बढ़ेगी। जो लोग काम के सिलसिले में यात्रा पर निकले हैं, समझे पूरा दिन यात्रा में बीत जाएगा। अगर आप ट्रैवल व्यापार में हैं, तो समझे इस व्यापार से आपको खूब आमदनी होने वाली है। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। सिंह जातक, आज आपको शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक क्षमता को बढ़ाना होगा। आप जिम और योग से अपने काम करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। व्यायाम के अंत में आप पाएंगे कि आप पहले से ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। आपकी सेहत और आत्मविश्वास दोनों ही बेहतर होंगे। और आखिर में सिंह राशि वालों के लिए टिप्स आमंत्रित। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार आपको गुलाबी रंग आपके लिए लकी है। दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक का समय बड़ा ही भाग्यशाली रहेगा। कन्या राशि। कुंभ राशि में चंद्रमा का गोचर आपको अपने परिवार के वरिष्ठ सदस्यों की मदद प्राप्त हो सकती है। आज आपको अपने परिवार के बुजुर्ग सदस्यों के साथ समय बिताना चाहिए। अपने स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति की जांच के लिए अवसर का उपयोग करें। यदि आवश्यक लगे तो डॉक्टर के पास जाइए। अब जान लेते हैं प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। अगर आज ऑफिस में आपको ऊपर कोई फायदा है तो धीरज रखें। आपको इस वक्त का यह रिश्ता निर्दोष लग सकता है, लेकिन बाद में आपके करियर को बिगाड़ कर रख देगा। याद रखें, पार्टनर से ज्यादा आपके लिए जॉब अहमियत रखता है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के करियर के बारे में। आपने अपने लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, आप उन्हें आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। विद्यार्थी हालांकि मौज मस्ती के मूड में है, लेकिन ये केंद्रित होकर पढ़ने का समय है। आज आपका ध्यान कुछ भटका रहेगा, लेकिन सफलता पाने के लिए आपको फिलहाल मेहनत करनी चाहिए। वहीं वित्त के मामले में कन्या राशि वालों, आपकी मेहनत की बदौलत आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आपकी सफलता बहुतों को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगी। इसलिए आर्थिक प्रबंधन के लिए जो तरीके आपने अपनाए हैं, उन्हें दूसरों के साथ भी बांटिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। कन्या जातक, आज आप बहुत खुश हैं और आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आपकी खुशी, जिंदादिली और ऊर्जा सभी को प्रभावित करेगी। सब कुछ आसानी से होगा, इसलिए समय का आनंद उठाइए। और आखिर में कन्या राशि वालों के लिए टिप्स ऑफ द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच का समय आपके लिए भाग्यशाली माना जा सकता है। तुला राशि। सकारात्मक और रचनात्मक ऊर्जा से भरा हुआ महसूस कर सकते हैं। कुंभ राशि में चंद्रमा का गोचर आपको संगठन में रखने में मदद कर सकता है। आज बड़ी आसानी से समस्या का समाधान कर पाएंगे। सारी गहरी सोच और प्राथमिकता आपको अच्छा महसूस कराएगी। अब जानते हैं प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। अगर आप पार्टनर की खोज में हैं, तो आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप अपनी अपेक्षाओं और अपने पार्टनर की योग्यता के मामले में थोड़ी ढिलाई देने की सोचें, तो आज आपको वैसा पार्टनर आपसे मिल सकता है। आप ये मत सोचें कि आपकी अपेक्षा पर अपने पार्टनर पूरी तरह खरा उतरेगा, क्योंकि इससे आप ऐसे पार्टनर के मिलने का मौका खो सकते हैं जो आपको खुश रखेगा। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के करियर के बारे में। हालांकि आने वाला समय चुनौतियों से भरा है, लेकिन अब आपको सकारात्मक परिणाम ही मिलेंगे। बाधाएं खत्म हो जाएंगी और आप आसानी से अपने काम पर ध्यान लगा सकेंगे। आज खुद को शांत रखने की कोशिश करें। वहीं वित्त के मामले में तुला राशि वालों, आज आप अपने बहुत ऊर्जावान और सकारात्मक अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी में बदलाव आने की संभावना है। इस सकारात्मक पहलू का अच्छा असर आपके बैंक खाते या आपकी कार्यशैली पर पड़ सकता है। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। तुला जातक, ज्यादा तनाव के कारण आप महसूस करेंगे आपकी आपने ज्यादा कैलोरी ले ली है। इस परेशानी से दूर रहने के लिए आप ज्यादा व्यायाम करें। आप सुबह टहलने जा सकते हैं या ट्रेडमिल पर 5 मिनट फालतू भाग सकते हैं। कुछ भी करके आप वापस अपने रास्ते पर आ ही जाएंगे। और आखिर में तुला राशि वालों के लिए टिप्स ऑफ द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार दिन के लिए भाग्यशाली रंग पीला है और सुबह के समय घर पर काम कर सकते हैं। वृश्चिक राशि। कुंभ राशि में चंद्रमा का गोचर आपको कुशलता से काम करने के लिए प्रेरित कर सकता है। आज आपकी व्यवसायिक संभावनाएं बढ़ सकती हैं, कुछ ज्ञान हासिल कर सकते हैं। आप सामने आने वाले किसी भी मौके को ना चुके। आज आप जो भी नई क्षमताएं हासिल करते हैं, वह भविष्य में आपको लाभ जरूर दिलाएंगे।
अब जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज आप यही सोचते रहेंगे कि मेरा पार्टनर कैसा होना चाहिए। आपका दिमाग इसी चीज को लेकर चक्कर काटता रहेगा कि वो कहां मिलेगा। ये विचार अच्छे हैं पर इसे जिद का रूप दें। इतने आदर्शवादी बनने के बजाय जमीन से जुड़े पर अपने पार्टनर की खोज यथार्थ में आकर ही करें। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के करियर के बारे में। कार्य क्षेत्र में आपको अपनी सीमाओं को जानना चाहिए। अगर काम आपकी सोच के अनुसार ना भी चले तो परेशान ना हो। ये सारी परेशानियां अस्थाई हैं जो कि समय के साथ अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। वहीं वित्त के मामले में वृश्चिक राशि वाले, जरूरत है कि आप व्यवसाय के नए विकल्प पर तुरंत और सकारात्मक ढंग से सोचें। इसका आपको बड़ा फायदा मिलेगा। आप इस आइडिया को अपनी मेहनत से हकीकत में बदल दीजिए। व्यवसाय में सफलता का मूल मंत्र यही तो है। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव के साथ आपकी आर्थिक स्थिति लगातार ठीक होती जाएगी। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। वृश्चिक जातक, आज आपको महसूस करना होगा कि ज्यादा देर तक कंप्यूटर पर बैठने से नुकसान हो सकता है। रोज ब्रेक लें। आज आपकी आंखों में दर्द या गर्दन में परेशानी हो सकती है। समय पर आराम लें और अपनी कलाई और उंगलियों को भी आराम दें। हो सकता है कंप्यूटर पर बैठने से आपको दर्द की समस्या हो जाए। ध्यान रहे, अपनी आंखों पर ज्यादा दबाव ना डालें। और आखिर में वृश्चिक राशि वालों के लिए टिप्स ऑन द डे। बुरा रंग आज आपके लिए काफी लकी माना जा सकता है। शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच का समय आपके लिए काफी शुभ हो सकता है। धनुराशि, कुंभ राशि में चंद्रमा का गोचर आपको लाभ दिलाएगा। आप बहुत कुछ हासिल करेंगे। यदि आप अपने दृष्टिकोण में पूर्ण परिवर्तन का अनुभव करते हैं तो आप आश्चर्यचकित ना हो। इन सकारात्मक परिवर्तनों को अपनाइए और समय का अधिकतम लाभ उठाएं। अब जानते हैं धनु राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज आप अपने साथी को मनाना चाहेंगे। दिन समाप्त होने से पहले सभी मतभेदों को भुलाकर सुलह कर लेने से दोनों को लाभ होगा। अब बात कर लेते हैं करियर के बारे में। आज आप अपने कार्य क्षेत्र में हुई प्रगति पर नजर डाल सकते हैं और देख सकते हैं कि आपने क्या पाया है। इस सफलता को प्राप्त करने में जिन लोगों ने आपकी मदद की है आपको उन्हें धन्यवाद कहना नहीं भूलना चाहिए। उनकी मदद के बिना आप वहां नहीं पहुंच सकते थे जहां आप आज हैं। वहीं वित्त के मामले में धनु राशि वालों, आज लंबित पड़े बिल और उधार चुका देने का दिन है। आज आप कुछ निवेश करेंगे। इससे आपको लगेगा कि भविष्य में आमदनी के कुछ उपाय कर लिए हैं। हालांकि जल्दबाजी में कोई आर्थिक फैसला ना लें, संभल कर कोई कदम उठाएंगे तो ही अच्छा लाभ होगा। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। आज आपको बिस्तर से उठकर खुद को व्यायाम करने के लिए बढ़ावा देना होगा। आपका मन नहीं करेगा मगर इसका लाभ आपको भी नजर नहीं आएगा। लंबे समय तक लाभ उठाने के लिए संतुलित भोजन लें। और आखिर में धनु राशि वालों के लिए टिप्स ऑन द डे। एस्ट्रो के ज्योतिषों के अनुसार हरे रंग में कुछ पहने। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच कुछ भी महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। मकर राशि, पारिवारिक संबंध थोड़ा तनावपूर्ण हो सकते हैं। कुंभ राशि में चंद्रमा का गोचर आपको घर में तनाव और चिंतित महसूस करा सकता है। परिवार के सदस्यों के बीच कुछ असहमति रहेगी। सावधान रहें। यदि कोई प्रिय व्यक्ति विशेष रूप से खराब मूड में है तो स्पष्ट रहें। विनम्रता से आज सबकी अनावश्यक टकराव से बचना चाहिए। आने वाले दिन खुशियों और सौहार्दपूर्ण संबंधों से भरे रहेंगे। आज आपको सावधान रहना चाहिए। अब जानते हैं प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। प्यार की दुनिया में आज आप संभल के आगे बढ़ें क्योंकि आज कोई आपको ब्लैकमेल कर सकता है। अगर आपको पिछले दिनों किसी ने धोखा दिया है तो आपको उसके बारे में दोबारा सोचना चाहिए। गंभीरतापूर्वक सोचें कि ये व्यक्ति जो प्रस्ताव कर रहा है क्या क्षणिक उपलब्धि के लिए आपको जो बता रहा है वैसा है। अब बात कर लेते हैं करियर के बारे में। हाल ही में आपने जो नई नौकरी के बारे में जो निर्णय लिया है आज आपको एहसास होगा कि आप बिल्कुल ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपकी नौकरी आपकी योग्यताओं के अनुरूप नहीं है और आपको इससे आपके करियर में रुकावट आ सकती है तो आपको सोचकर खुश होना चाहिए कि ये नौकरी आपको बड़ी मेहनत के बाद मिली है। वहीं वित्त के मामले में मकर राशि वालों, और आज आप किसी कॉन्फ्रेंस या सेमिनार में जा रहे हैं तो आप पाएंगे यहाँ ना आपके करियर के लिए बड़ा फायदेमंद रहा। लोगों को अपने बारे में बताइए और आप पाएंगे कि कई बड़े काम के लोग से आपका संपर्क बना है और आप फिर इसका आगे फायदा भी उठा सकते हैं और आपके व्यापार को भी काफी फायदा मिलेगा। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। अगर आज आप काफी देर तक कंप्यूटर पर बैठे हैं तो आज ही जाकर अपनी आंखों की जांच कराइए। ध्यान रहे, आप ज्यादा देर तक स्क्रीन पर बैठकर काम ना करें और अपनी आंखों को आराम दें वरना दर्द से दर्द की परेशानी बराबर बनी रहेगी। और आखिर में मकर राशि वालों के लिए टिप्स ऑन द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार नकारात्मक ऊर्जा से निपटने के लिए सफेद रंग के कपड़े पहन सकते हैं।
कुंभ राशि, जीवन में प्राथमिकता के अनुसार काम करें। कुंभ राशि में चंद्रमा का गोचर अपना मार्ग प्रशस्त कर सकता है, लेकिन याद रखें आज आप जो कुछ भी करते हैं वह दूसरों के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए। आप जो कुछ भी करें उससे पहले सोच जरूर लें। अब जान लेते हैं प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। क्या आप हैरान है कि आप अपने सपनों का पार्टनर कहाँ छिप गया है? आज निश्चित रहे आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप किसी शैक्षणिक संस्थान या कॉर्पोरेट माहौल में काम कर रहे हैं तो आज आपको कोई विशेष अचंभा मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं करियर के बारे में। यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं तो आज कोई अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है। हो सकता है ये वो काम ना हो जिसे आप विषय में आपने सोचा था, लेकिन शुरुआत की जा सकती है। इससे आर्थिक लाभ के संकेत प्रबल होते हैं। वहीं वित्त के मामले में कुंभ राशि वालों, अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना ही चाहते हैं तो फिर काम से थोड़ी गंभीरता से मन लगाइए। ये भी देखिए किस राह में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, उन्हें तुरंत दूर करने के उपाय भी कीजिए ताकि आपकी कमाई में भी वृद्धि हो सके। आप अपनी कड़ी मेहनत से आर्थिक सफलता पा सकते हैं और आपके बढ़िया फैसले आपको सही दिशा में ले जाएंगे। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। आज आपको आश्चर्य होगा कि सेहत पाने में इतना लंबा समय कैसे लग रहा है। आपको महसूस करना चाहिए कि दिन में कितनी बार आप असुरक्षित खाना खा लेते हो और कितने दिन आप तीव्र व्यायाम भी किया है। अगर आप काम करने का समय बढ़ा दें तो वो दिन दूर नहीं जब आपका वजन घटना शुरू हो जाएगा। और आखिर में टिप्स सौंदर्य, दोपहर 3 बजे के बाद कोई भी महत्वपूर्ण कार्य निर्धारित ना करें क्योंकि समय आपके लिए अच्छा नहीं है। हरा रंग दिन के लिए शुभ रहेगा। मीन राशि, कुंभ राशि में चंद्रमा का गोचर आपको प्रेरित महसूस करा सकता है। आप जो चाहते हैं वह आप सब कुछ हासिल भी कर सकते हैं। आपके साथियों और वरिष्ठों द्वारा आपकी सराहना भी की जाएगी। आपने द्वारा किए गए किसी प्रोजेक्ट या कार्य पर कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले सोच जरूर लें। अब जानते हैं प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। रोमांस की दुनिया में आज आपको ऐसे व्यक्ति से बचना होगा जो आपको लगे कि आपका पैर जबरन खींच रहा है। यह परी की कहानियों में तो अच्छा लगता है पर यथार्थ आपको जमीन पर गिरा सकता है, इसलिए सावधान रहें और आज किसी नए रोमांस की शुरुआत करने से परहेज ही करें। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के करियर के बारे में। आज आपको इस बात की खुशी होगी कि अपनी मेहनत के कारण आप अपने काम में सफल हो सके हैं। आपके साथी भी इस बात से खुश होगा कि आप अपने काम में सफलता का मजा ले रहे हैं। अच्छे समय का पूरा लाभ उठाने की कोशिश करें। वहीं वित्त के मामले में आज आप अपने व्यापार को फैलाने के लिए कुछ नए संपर्क बनाइए। नए संपर्क भविष्य में आपको कमाई के अच्छे साधन में बन सकते हैं। आप अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं तो क्यों ना आप साझेदारी या कोई साइड व्यवसाय के तौर पर ही कुछ शुरू कर दें। दिन डलते डलते आपने ऐसा कुछ कर दिया होगा, यकीनन आपको बहुत खुशी मिलेगी। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। मीन जातक, आज आपको त्वचा से संबंधित बीमारी हो सकती है, खासकर अगर आपकी त्वचा तैलीय है। सूर्य में ज्यादा समय व्यतीत ना करें, त्वचा साफ रखें और ज्यादा पानी पिए, फिर आपकी त्वचा जरूर चमकेगी। और आखिर में मीन राशि वालों के लिए टिप्स सौंदर्य। एस्ट्रो के ज्योतिषों के अनुसार ऑरेंज आपके लिए लकी कलर है। दोपहर 3:30 बजे से 5 बजे के बीच का समय शुभ माना जा सकता है। यह राशिफल चंद्रमा ग्रह और नक्षत्र की गणना पर आधारित है। अगर आप कुंडली, विवाह, पंचांग, शुभ मुहूर्त, राशिफल आदि से संबंधित या व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हाजिर नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर आज ही डाउनलोड करें एस्ट्रो योगी ऐप गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर से और पाएं अपनी समस्याओं का समाधान इंडिया के बेस्ट ज्योतिष आचार्य से। एस्ट्रो योगी, पहला एस्ट्रोलॉजर कंसल्टेशन सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए में। अभी डाउनलोड करें।